खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की धत्ता टोल में एसबीआई खजौली शाखा के सीएसपी संचालक से 6,34,000 लूट कांड के मामले में पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। घटना के 72 घंटा के भीतर जिला अधीक्षक के नेतृत्व में गठित एसआईटी तकनीक सेल एवं खजौली थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कांड का उद्भेदन कर दिया। लाइनर का काम करने वाले वह घटना में संलिप्त दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी में खजौली थाना क्षेत्र के ढाटा गांव निवासी सुमन कंवर एवं कलवाही थाना क्षेत्र के नरार गुलरिया टोल निवासी मुलायम सिंह यादव शामिल है। अपराधी सुमन कुंवर की गिरफ्तारी मंगलवार को उनके गाँव से ही हुई, जबकि मुलायम यादव की गिरफ्तारी लक्ष्मीपुर नहर के समीप से किया गया। दोनों के पास मोबाइल जब्त कर लिया गया है। पुलिस अपराधी के कॉल डिटेल खंगालने में जुटी हुई है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों को बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी दोनों आरोपी से पूछताछ पर उसने घटना में संलिप्तता स्वीकार किया। इस कांड में 7 अपराधी शामिल है। सभी अपराधियों के नाम और पता की खुलासा कर लिया गया है, जिसमें खजौली कलवाही एवं जयनगर थाना क्षेत्र का अपराधी संलिप्त है। घटना के मास्टरमाइंड सहित 5 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि घटना में संलिप्त शेष बचे सभी अपराधी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहा कि घटना सुनियोजित था, ये दोनों लाइनर के भूमिका में था जो बैंक एसबीआई शाखा पर था। वही दो अपराधी बेहटा चौक पर तथा एक ही बाइक पर सवार मास्टरमाइंड सहित 3 अपराधी सुस्की धट्टा टोल में घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तारी दल में थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, प्रशिक्षु दरोगा राजकुमार, एसआई सुरेश प्रसाद सिंह सहित अन्य पुलिस बल शामिल थे। पुलिस अधीक्षक मधुबनी के आदेश पर कांड उद्भेदन को एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें सदर डीएसपी मधुबनी के नेतृत्व में पुलिस इंस्पेक्टर आरके भानु, खजौली थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, राजनगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, जयनगर थाना अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह, प्रशिक्षु दरोगा राजकुमार, पीएसआई राहुल कुमार, तकनीकी सेल के सुरेश कुमार एवं मनोहर कुमार शामिल थे। एसआईटी के टीम एवं खजौली थाना पुलिस के सहयोग से घटना का उद्भेदन हुआ है। खजौली पुलिस ने कांड का उद्भेदन बड़ी ही गंभीरता से किया। घटना के 72 घंटे के भीतर लूट कांड का पर्दाफाश कर दिया। घटना में संलिप्त सभी अपराधियों के नाम और ठिकाने का खुलासा कर लिया गया है। घटना में 7 अपराधी शामिल है, जिसमें से 2 लाइनर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मास्टरमाइंड सहित शेष 5 अपराधी की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी की जा रही है। ज्ञात हो कि खजौली थाना क्षेत्र के सरावे गांव निवासी सुस्की साइफन चौक पर एसबीआई के सीएसपी संचालक अवधेश प्रसाद के 21 मई को दिन के करीब 11:30 बजे अपराधी ने बंदूक के नोक पर रुपए से भरा बैग लूट लिया। लूट का अंजाम देने वाले अपराधी काले रंग का एक ही पल्सर बाइक पर सवार था, जो बेहटा चौक से ओवरटेकिंग करते हुए सुस्की धत्ता टोल में घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। वहीं एसबीआई खजौली शाखा से 3,84,000 की निकासी किया था। शेष 2,50,000 रुपए वह घर से लेकर जा रहा था। कुल 6,34,000 रुपए अपराधियों ने लूट कर फरार हो गया। वहीं भले ही लाइनर की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहा है। अभी तक राशि की बरामदगी नहीं हो पाई है। थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि कांड का उद्भेदन कर लिया गया है। घटना में 7 अपराधी की संलिप्तता का खुलासा हुआ है। इसमें संलिप्त 2 लाइनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड फरार है। राशि की बरामदगी नहीं हुई है। शेष 5 अपराधी की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी की जा रही है। सभी अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। वहीं खजौली पेट्रोल पंप से मंगलवार की शाम खजौली पुलिस गश्ती के दौरान 3 पियक्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तीनों पियक्कर को बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार पियक्कर में थाना क्षेत्र के कोठिया गांव निवासी राहुल कुमार यादव, सकरी थाना क्षेत्र के कनकपुर गांव के वार्ड नंबर 11 निवासी राकेश कुमार एवं पंडौल थाना के बथने गांव निवासी हरिओम प्रसाद यादव शामिल है। इन तीनों की जांच वेरत इनेलाइजर मशीन से किया गया। जिसमें तीनों नशा किए हुए पाया गया। सभी को खजौली पीएससी में मेडिकल कराने के उपरांत जेल भेजा गया। प्रशिक्षु दरोगा राम कुमार के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में इन तीनों पियकरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। गिरफ्तार दल में राम कुमार, एसआई इंद्रदेव सिंह सहित अन्य पुलिस बल शामिल थे। मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, YouTube से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।